निम्बल न्यूज द ट्रुथ अनफोल्ड। नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का हमारे निम्बल न्यूज चैनल पर। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। बिहार में कोरोना की बढ़ती जंग के बीच लगातार राजनीतिक घमासान तेज होता जा रहा है। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने अपने सरकारी आवास को कोविड केयर सेंटर में बदल दिया, जिसके बाद से विपक्षी लगातार उन पर हमले कर रहे हैं और उन्हें ये एक राजनीतिक नौटंकी बता रहे हैं, जबकि आरजेडी इसके जरिए भारतीय स्वास्थ्य व्यवस्था पर निशाना साध रही है। इसी बीच बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने लालू यादव की दो बेटियों के MBBS की डिग्री पर सवाल किए हैं। जवाब में रोहिणी आचार्य ने, जो कि लालू यादव की बेटी हैं, मर्यादाओं की सारी सीमाएं को लांघते हुए उन्हें जवाब दिए। उन्होंने ठीक बिहारी अंदाज में उनके मुंह तोड़ने की धमकी दी है। आपको बता दें कि सुशील मोदी ने तेजस्वी यादव पर गैर कानूनी तरीके से अर्जित की हुई जमीनों पर तंज कसते हुए पूछा था कि तेजस्वी यादव की दो बहनें MBBS डॉक्टर हैं, तो फिर कोरोना के संक्रमण के दौरान उनकी सेवाएं क्यों नहीं ली गई। इसके बाद उन्होंने लगातार ट्वीट पर ट्वीट किए। हम आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या ट्वीट किए। सबसे पहला उन्होंने ट्वीट किया, तेजस्वी यादव को सरकारी आवास के बजाय अवैध तरीके से पटना में अर्जित दर्जनों मकान में से किसी को कोविड अस्पताल बनाना चाहिए था, जहां पर गरीबों का मुफ्त में इलाज हो सकता। फिर उन्होंने ट्वीट किया, कांति देवी मंत्री बनने के बदले में जो उन्होंने दो मंजिला भवन तेजस्वी यादव को गिफ्ट किया था उसमें, या फिर राबड़ी देवी के पास जो 10 फ्लैट्स बचे हुए थे उनमें से अस्पताल क्यों नहीं खोला गया। वहीं सुशील मोदी ने तेजस्वी यादव की बहनों पर कमेंट करते हुए कहा था, तेजस्वी यादव परिवार में दो बहनें MBBS डॉक्टर हैं, कोरोना संक्रमण के दौरान उनकी सेवाएं क्यों नहीं ली गई। यदि राजद नेतृत्व में गरीबों के लिए सेवा और गंभीरता होती तो अस्पताल शुरू करने से पहले सरकार से अनुमति ली गई होती और मानकों का पालन किया जाता। बिना डॉक्टर उपकरण स्वास्थ्यकर्मी के किसी परिसर में कुछ बेड्स लगा देने से वो अस्पताल नहीं बन जाता, इससे केवल अस्पताल होने का नाटक किया जा सकता है। ट्वीट का जवाब देते हुए रोहिणी आचार्य ने कुछ और ट्वीट किए, जिसमें उन्होंने सुशील मोदी को लुच्चा, लीचड़ और राजस्थानी मेंढक कह दिया। आपको बताते हैं उन्होंने ट्वीट में और क्या क्या कहा। उन्होंने कहा कि सुशील मोदी हमारे नाम पर राजनीति चमका रहे हैं, मूड रेड हुआ। आज के बाद मेरी या फिर मेरी बहनों के बारे में कुछ बोला तो मुंह ठुर देंगे। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब रोहिणी आचार्य और सुशील मोदी आमने सामने हैं। इससे पहले भी एक बार जब रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया था कि वो अपने पापा यानी लालू यादव के लिए रमजान के पाक महीने में रोजे रख रही हैं, तो उसके जवाब में सुशील मोदी ने कहा था कि लालू यादव को सत्ता और संपत्ति का लालच हो गया, जिसके बाद से ईश्वर और अल्लाह भी उनका साथ नहीं दे सकता, उनका भला नहीं कर सकता। लालू यादव को ना तो वो ठीक से हिंदू बन पाए और ना ही उन्होंने इस्लाम का ज्ञान सही से ग्रहण किया। तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ निम्बल न्यूज पर और देखते रहिए निम्बल न्यूज, जो रखे आपको हमेशा ही। धन्यवाद।